गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रीड अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड दे आर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एंड थर्ड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। वेयर द नॉर्मल मीनिंग्स ऑफ v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होता है और ज्यादा दिन तक उस शहर में राज करता है, घूमता फिरता है, देखता है। सेकेंड इज u एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। देखें यहां पर a जो है a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। t इज इक्वल टू टाइम एंड s इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। सो दीज आर द यूजुअल meanings of the symbols. Today we start from first equation of motion. आज हम first equation of motion को start करते हैं। How this is derived? V is equal to u plus at. हम v is equal to u plus at को कैसे derive करेंगे? देखिए मान लिया जाए कि हमारे पास कोई object है। देखिए ये देखें ऐसे ए आई हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट है और ये यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता है, एक बार उसको चलाकर फोर्स को हटा दिया जाए, उसका जो वेलोसिटी रहेगा हमेशा वही मेंटेन रहेगा। इसका मतलब है कि अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगे, एक बार ए यू वेलोसिटी प्राप्त कर लिया है तो लगातार इसी यू वेलोसिटी से चलता रहेगा। बट हेयर ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन इट, इस पर जो है एक फोर्स एफ लगता है जिसके कारण इसका वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करने लगता है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है एंड इन टी सेकेंड। देखिएगा यहां से टी सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी देखिएगा कितना हो गया भाई, तो भी हो गया। ये यहां पर वेलोसिटी इसका भी हो गया। पहले क्या था भाई, तो ये इसका वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था। अब क्या हुआ, ए इस पर एक फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ने लगा और आफ्टर टी सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी मीटर पर सेकेंड। टी सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी भी हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है तथा यहां से यहां तक का डिस्टेंस एस है। तो यहां देखिए व्हाट चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आया। पहले कितना था भाई, यू था, अब कितना हो गया, भी हो गया। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम में क्या वेलोसिटी था उसमें से आप शुरू वाले वेलोसिटी को घटा दीजिए, देन चेंज इन वेलोसिटी इज वी माइनस यू। ये क्या हुआ भाई, इसमें चेंजिंग कितना आया, भी माइनस यू हुआ। माने कितना मैग्नीट्यूड हुआ चेंज इन वेलोसिटी का, भी माइनस यू, इतना चेंज कर गया।
अब रेट क्या होगा? जैसे मान लिया जाए कि आप दुकान में जाते हैं, अगर 10 किलो चावल का दाम 100 रुपया है तो 1 किलो का कितना आएगा? 100 में डिवाइड कर दीजिए 10 से। यही बात यहां पर है, रेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। तो जितना टाइम में चेंज किया इसका वेलोसिटी उसे भी हुआ, उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना चेंज कर रहा है। तो दैट इज वी माइनस ई बाई टी। एंड एज वी नो दैट द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। देखिए तो ए आपका एक्सीलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं और उसे हम ए द्वारा डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो गया वी माइनस यू बाई टी। देखिए ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ए टी इज इक्वल टू हो गया कितना भाई, तो वी माइनस यू। एंड वी इज इक्वल टू क्या होगा, यू को इधर लाएंगे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूव हो गया। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज इतना ही छोड़ देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें लगेगा समय, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोग लगातार इसको पढ़ के आएंगे, पढ़कर आने पर क्या होगा, कोई समझने परेशान नहीं होगी। तो आज इतना ही, रुकते हैं, थैंक यू।